गोखले का मूल्यांकन और देन। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के मूल्यांकन और देन का अध्ययन करेंगे। गोखले भारतीय राजनीतिक उदारवादी धारा के प्रमुख थे और गोखले का राजनीतिक चिंतन तथा यह उदारवादी विचारधारा अनेक आलोचनाओं का विषय रही है। आलोचकों के अनुसार तो गोखले की मूलभूत विचारधारा सही थी और उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा हो तो एक व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी और उनका सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की नायबिता में भी उनका विश्वास निर्मूल था, जैसा कि भारतीय घटनाओं ने सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त गोखले और अन्य उदारवादी द्वारा अपनाई गई पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। आज की परिस्थितियों में गोखले के विचारों कार्यों की चाहे कैसी आलोचना क्यों न की जाए, तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि में उनका चिंतन तथा कार्य नितांत औचित्यपूर्ण व्यवहारिक थे। गोखले रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे, उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और प्रत्येक परिस्थितियों में शांतिपूर्ण आचरण के स्वभाव का अनिवार्य अंग था। इस मनोविज्ञान पृष्ठभूमि में उनके द्वारा उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया जा सकता था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मार्ग को अपनाते हुए भी देश के त्याग करने में किसी पीछे नहीं थे। भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों के दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले उदारवादी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये, नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रबल आलोचना की। अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के भारतीय स्वरूप, विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकार पर उन्होंने सदैव भारी विरोध प्रकट किया। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य में जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। उनकी करने महत्वपूर्ण दिन भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन से संबंध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार, अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति उत्पन्न की। उन्होंने कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीयता के एक जनक। गोखले के चिंतन और कार्य में चमत्कारिता का अभाव है, लेकिन उनके सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है, उनमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। चौथा, विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे। उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। पांचवा, उपयोगी आर्थिक चिंतन। गोखले न केवल राजनीति वरन इतिहास और शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीय कोष प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार, औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्हें आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी दृष्टि प्राप्त थी। राजनीतिक आध्यात्मिकरण। राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे बड़ी स्थायी दिन राजनीतिक आध्यात्मिकरण है। सदैव साधनों का औचित्य है और सदैव ये दृष्टिकोण का विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों की अपनाया जाना चाहिए। राजनीति ब्रिटिशोत्तर सिद्धांत का उन्होंने के प्रतिपादन किया, वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण अंशों में अपनाया गया। 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने विश्व समर्थकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपियन सिपाहियों की जातियों के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता को एक वक्तव्य दिया था। भारत लौटने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका यह वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। तब नीतिशास्त्र का परिचय देते हुए 4 अगस्त 1887 को दी मैनचेस्टर गार्जियन, दी टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की यमन याचना प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है हमारा, निंदा आलोचना की परवाह न करते हुए इस प्रकार की नीति शास्त्र का परिचय गोखले दे सकते थे। भारत सेवक समाज की स्थापना। गोखले ने अन्य महत्वपूर्ण दिन भारत सेवक समाज की स्थापना की। विभिन्न भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्यता शिक्षित व्यक्ति संस्था में शामिल किए गए। उन्हें देश के संपूर्ण भारत को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस संस्था के संविधान की प्रस्तावना गोखले ने कहा, अब हमारे काफ़ी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम विस्तारित
भर जाना चाहिए कि उनके सामने सब बातें महत्वपूर्ण मालूम हो। निष्कर्ष रूप में मोतीलाल नेहरू के शब्दों रातियों कहा जा सकता है, गोखले स्वर्ग शासन के एक महान राष्ट्र देवदूत थे। उन्होंने अपना जीवन उसी आदर्श के समर्पित कर दिया जो उन्होंने अपने स्थापित देशवासियों के सामने रखा था। तिलक के अनुसार वे भारत के रतन थे।